नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ ऑल इंडिया में। मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। यूपी में इन दिनों कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन तलाशने की कोशिशों में लगी हुई है, लेकिन राजनीति में कब, कहां और क्या बोलना है ये समझना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे में जब आप उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी को लेकर जनता के बीच उसका भरोसा जीतने उतरे हों तो सोच समझ कर बोलना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। जब आप अपनी परंपरागत सीट से हार गए हो, जी हां, हम बात कर रहे हैं अमेठी की, जहां हाल ही में राहुल गांधी की परंपरागत सीट रही अमेठी में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पार्टी के नेताओं और जनताओं से बातचीत की है। उन्होंने ये रिपोर्ट देखिए। यूपी में हाल ही में पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं और इसके बाद 2021 का विधानसभा चुनाव, तो ऐसे में सभी पार्टियां अपनी अपनी मजबूती के दावे करती नजर आ रही है। और इसी कड़ी में प्रियंका भी लगातार यूपी की राजनीति में सक्रिय नजर आ रही हैं। कभी सोशल मीडिया के जरिए तो कभी लोगों के बीच पहुंचकर वो अपनी मौजूदगी बता रही हैं। हाल ही में प्रियंका एक कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ी, जहां उन्होंने कहा कि अमेठी में राजनीति नहीं बल्कि पारिवारिक रिश्ता है और परिवार के रिश्ते कभी कमजोर नहीं हो सकते। अमेठी में घर और परिवार का पुराना मजबूत रिश्ता है। अमेठी और अमेठी के लोगों से हमारा संबंध जैसे पहले था वैसे ही आज भी कायम है और आगे भी रहेगा। इसी कार्यक्रम के दौरान अमेठी के स्थानीय नेताओं ने प्रियंका गांधी की बातों को खारिज कर दिया और ये बता दिया कि ये बातें सिर्फ सियासी नफे नुकसान को ध्यान में रखकर कही गई हैं। दरअसल प्रियंका गांधी से बातचीत करते हुए एमएलसी दीपक सिंह के समक्ष एक कांग्रेस नेता ने प्रियंका वाड्रा से कहा कि राहुल गांधी को हराने के बाद अमेठी की जनता को अपनी गलती का एहसास हो गया है और वो गांधी परिवार से माफी मांगते हैं, लेकिन ये बातें अपने आप में गहरे अर्थ समेटे हुए हैं। वही इस बयान के बाद से ही अमेठी की जनता में रोष देखा गया। खैर, जो भी हो, लोकतंत्र में जनता का जनादेश कोई भूलवश लिया गया निर्णय नहीं हो सकता जिसके लिए जनता को किसी राजनीतिक घराने से माफी मांगनी पड़े। प्रियंका को सक्रिय राजनीति में आए 2 साल पूरे हो गए हैं और उन्हें कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव का पद मिला और उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी भी। ऐसे में इस बात को लेकर हस्तक्षेप न करना, देखना होगा कि इससे कांग्रेस की राजनीति पर क्या असर पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑल इंडिया।